हेलो एंड वेलकम दोस्तों, हमारे इंस्पिरेशनल फ्राइडेज की सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज का किस्सा है आई डिड इट। दोस्तों हम हमारी ज़िंदगी में ऐसी कई मान्यता, ऐसी कई बिलीव्स इनहेरिट करते हैं। बिलीव्स इनहेरिट से मेरा मतलब है कि कुछ ऐसी बिलीव, कुछ ऐसी मान्यता होती है जो हमने खुद ओरिजिनेट नहीं की, जो हमने खुद नहीं चूज़ की, लेकिन किसी और ने हम पे इम्पोज किए हैं। जैसे कि एक बहुत प्रचलित मान्यता थी वेस्टर्न कंट्रीज़ में और पूरे विश्व में कि यू कैन नॉट रन 1 माइल अंडर 4 मिनट्स, यानी कि 1 माइल जो कि करीब करीब 1.5 किलोमीटर जितना होता है वो आप 4 मिनट के अंदर नहीं दौड़ सकते। ऐसी मान्यता तो बहुत प्रचलित थी और ये जो आंकड़ा था कि 1 माइल अंडर 4 मिनट्स वो बहुत फेमस था उस टाइम, और हर एथलीट बिलीव भी करता था कि हम 4 मिनट के हो सके तो नज़दीक जा सकते हैं, लेकिन 4 मिनट के अंदर यानी कि 3 मिनट और कुछ सेकंड के अंदर नहीं आ पाते। दोस्तों बिलीफ इतनी पुरानी थी कि हम लोग ओलंपिक्स की हिस्ट्री में 1000 साल, कम से कम 1000 साल से दौड़ रहे हैं, प्रोफेशनली रनिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी भी ये रिकॉर्ड नहीं टूटा था। ये प्रचलित मान्यता बन गई थी कि यू कैन नॉट रन 1 माइल अंडर 4 मिनट्स। लेकिन दोस्तों 6 मई 1954 को रॉजर बैनिस्टर नाम का एक प्रोफेशनल रनर था और उसने अपनी प्रैक्टिस के दौरान दौड़ते 3 मिनट्स 58 सेकंड्स के अंदर 1 माइल की दूरी पूरी कर दी। सब हैरान थे, लोग कह रहे थे दैट इज़ नॉट पॉसिबल। दोस्तों जब रॉजर बैनिस्टर कहीं भी जाते थे और कहते थे कि आई हैव रन वन माइल विद इन 4 मिनट्स, लोग कहते थे इट इज़ इम्पॉसिबल, तब ये कहते थे आई जस्ट डिड इट। दोस्तों जानते हो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़, 6 मई 1954 तक किसी ने 1 माइल 4 मिनट के अंदर नहीं ख़त्म किया था। रॉजर बैनिस्टर ने जब ख़त्म किया 1 माइल 4 मिनट के अंदर, उनका रिकॉर्ड सिर्फ 46 डेज चला। सिर्फ 46 डेज के अंदर किसी और ने 3 मिनट 58 सेकंड में ख़त्म कर दिया 1 माइल, उनका रिकॉर्ड टूट गया सिर्फ 46 डेज में। दोस्तों बिलीफ बनने में बहुत साल लगते हैं, टूट ऐसे जाती है। दोस्तों बिलीफ ऐसी ही होती है। मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी कई मान्यताएं होंगी, ऐसी कई बिलीफ होंगी जो हमें लिमिट कर देती है, जो हमारे परफॉर्मेंस को लिमिट कर देती है। हम ऐसी कई चीज़ें मानते हैं जिसे हमने टेस्ट नहीं किया, जिसे हमने परख के देखा नहीं है, लेकिन किसी और ने हमें कहा, किसी और ने हमें समझाया, इसलिए हमने ये मान लिया। दोस्तों आज के इस छोटे से किस्से में से हमें इतनी ही सीख लेनी है कि हमारी जो बिलीव्स होती है, सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स, यानी कि जो हमारे अपने परफॉर्मेंस को लिमिट कर दे, ऐसी बिलीफ होती है, उसे हम स्ट्रेस टेस्ट करें। स्ट्रेस टेस्ट यानी हम परखें कि क्या ये सही में सच है या फिर ये सिर्फ मेरी मान्यता है। कि दोस्तों आपको अभी तक ये मान्यताओं का पावर नहीं पता। दिस सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स डिटरमाइन द बाउंड्री ऑफ योर परफॉर्मेंस। आप क्या कर पाते हैं ये मान्यताएं तय करती हैं। तो हम ये निश्चय करें कि हम ये हमारी मान्यताएं हैं उसे स्ट्रेस टेस्ट करेंगे और परखेंगे, और अगर हमें ये सच लगे तभी इसे मानेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा, और दोस्तों ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये ऐसी बेहतरीन चीज़ें हम और लोगों के साथ शेयर करें, तभी हम सब साथ में ग्रो कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा आपसे अगले फ्राइडे, तब तक के लिए